अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। कांग्रेस लीडर राहुल ગાંધીએ થોડા દિવસ પહેલા સંસદમાં એક બયાન આપ્યું હતું અને કહ્યું કે જે લોકો પોતાને હિન્દુ કહે છે તેઓ હિંસક હોય છે। એ બયાનના વિરોધમાં સુરતની સડકો પર આ સંગઠનના લોકો ઉતરેલા છે અને નારેબાજી કરી રહ્યા છે, રાહુલ ગાંધીનો બહિષ્કાર પણ કરી રહ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો આજે અમને હાથમાં પોસ્ટર છે, એમાં લખ્યું 100 કરોડ હિન્દુઓનું અપમાન જે છે કરવામાં આવ્યું છે, બરદાસ્ત કરવામાં નહીં આવશે અને નારેબાજી કરી રહ્યા છે। આ લોકો સાથે આપણે વાત પણ કરીશું અને પૂછીશું તેઓ રાહુલ ગાંધીના બયાનને કઈ રીતે લઈ રહ્યા છે। क्या नाम है आपका? भारत। क्या नाम है आपका? शिवानंद तिवारी, जय महावीर सेवा संघ पदाधिकारी। इस चीज का विरोध क्यों? ये राहुल गांधी का जो उन्होंने हाउस में 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है उसी का विरोध है। अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। किस तरह का विरोध और आगे किस तरह का लड़ाई लड़ेंगे? आगे भी बूथ लेवल पे हमारा पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होने वाला है, आयोजन होने वाला है, क्योंकि सब उन्होंने हिंदुओं को जो अपमानित किया है, हम जगह जगह जाके इस चीज को उजागर करेंगे, हिंदू एकता को एकत्रित करेंगे, हिंदुओं को जागृत करेंगे, क्योंकि जो 99 सीटें आई इसमें खाली एक कोई विशेष समुदाय के वोट करने से सीटें नहीं आई है, इसमें हिंदू समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने हिंदुओं को इतना बड़ा अपमानित किया है तो 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो आगे आने वाले जो चुनाव है वहाँ किस तरह से आप जाएंगे? आगे विधानसभा में होने वाले चुनाव में पहले भी आपसे इस बात को बता चुका हूँ विनम्रता पूर्वक कि हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जय महावीर सेवा संघ बड़े लेवल पे पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगी और वहाँ बूथ लेवल पर राहुल गांधी एंड खान कंपनी का पर्दाफाश करेगी, काले कारनामों को उजागर करेगी। बिल्कुल, आप क्या देख रहे हैं? यही देख रहे हैं, राहुल गांधी की यहाँ क्या जरूरत है, जिसको कदर करना ना आए उनको क्या जरूरत है? जो भी राष्ट्र हित में पार्टी पार्टी काम करेगी उसी को जय महावीर सेवा संघ सपोर्ट करेगी। आप क्या मानते हैं? सर, राहुल गांधी को हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, हिंदुओं का अपमान करके उनको हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में उनको नहीं चाहिए, हिंदुस्तान उनको सब हिंदुओं का क्यों अपमान करते हैं? हिंदू उनको वोट नहीं देता, हिंदुओं को उनको जरूरत नहीं है, हिंदुओं को उनके टारगेट पे हिंदू है बस और कोई नहीं है क्या? वो खान को फलाने को धमाके को सबकी हाय हाय करते हैं, बाकी सब हिंदुस्तान जरूरत उनके लिए, हिंदुस्तान में राहुल गांधी को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप क्या मानते हैं? मैं यही मानता हूं कि बार बार जो सनातन के ऊपर आघात किया जा रहा है और ये आज राहुल गांधी जी ने अप्रिय भाषा का प्रयोग किया है और उनके जो इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं पूर्व में भी सनातन पे उन्होंने आघात किया है, तो हम यही जानना चाहते हैं कि बार बार आखिर एक ही समुदाय को टारगेट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे उनकी क्या मनोभाव है? और अगर इसी तरीके से सनातन के ऊपर कुठाराघात होता रहा तो हम लोग और उग्र तरीके से इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, बीजा लोगों के साथ से एक बार बात करी छू, आप क्या मानते हैं राहुल गांधी के बयान को लेकर? राहुल गांधी का हम पूरे भारत में विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक राहुल गांधी ऐसी स्पीच देना बंद नहीं करेंगे उनको इटली ही जाना पड़ेगा, अन्यथा पूरे भारत में उनके कोई जगह नहीं है और राहुल गांधी को जाना ही पड़ेगा भारत माता की। बिल्कुल, आ तमाम लोग छे जे सूरत ना रिंग रोड विस्तार में रैली लेने निकल्या छे अने राहुल गांधी माटे विरोध प्रदर्शन करी रह्या छे, जे रीते ए लोको राहुल गांधी संसद में एक निवेदन आप्यु हतु ने कह्यु हतु कि जे लोको पोते हिंदू हिंदू कहे छे अने तेओ हिंसा करे छे, तो आवी रीते आप जोई शको छो कि सूरत शहेरनी सड़कों पर आ एक संगठन जे जय महावीर सेवा संघ ना बेनर हेठळ आ लोको राहुल गांधीनो विरोध प्रदर्शन करवा माटे ઉતર્યા છે અને વિરોધ કરી રહ્યા છે અને રાહુલ ગાંધીનો બહિષ્કાર કરવા માટે વાત કરી રહ્યા છે, સાથે જ કહી રહ્યા છે જે રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી છે એ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ જઈને એમના સમર્થન દ્વારા રાહુલ ગાંધીની કોંગ્રેસ પાર્ટીનો વિરોધ કરવામાં આવશે। સંજય સિંહ, ગુજરાત સુરત।